निपटने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों की एक मीटिंग राजेंद्र सिंह मेहता व डॉक्टर रूप सिंह चीफ सेक्रेटरी एसजीपीसी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें राजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि टीमें बनाकर श्री हरिमंदर साहिब के सभी प्रवेशों पर सैनिटाइज करने का प्रबंध किया गया है और आने वाली संगत को जागरूक करने के लिए भी टीमों को गठित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति की सूचना मिलते ही उसकी सहायता के लिए श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल में विशेष वार्ड का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा एसजीपीसी की ओर से एम्बुलेंस का भी विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। एसजीपीसी भी समाज का एक अटूट अंग है, इसलिए एसजीपीसी की ओर से भी हर तरह के प्रबंध करने का प्रयास जारी रहेगा। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे जिहड़े साडे सीनियर अधिकारी ने गुरुद्वारा दरबार साहब के मैनेजर साहिबान, शहीदां दे मैनेजर साहिबान, नाल दे गुरुद्वारा साहिबान के मैनेजर साहिबान की एक विशेष एकत्रता अज के जिहड़े मौजूदा हालात ने कोरोना वायरस के आधारित उन मद्देनज़र रखदे हुए एक जिहड़ी जरूरी मीटिंग है वह सुन ली है, जिहदे विच दास सीगा डॉक्टर रूप सिंह होनी चीफ सैकटरी वो सन, सत्कारयोग मैंबर साहबान मानन साहब, टडे साहब और खबरगढ़ी साहब ये सारे हाजिर सन और अधिकारियों के नाल जो हालातों जो है समुचा समाज समुचा विश्व गुजरिया कि जिहड़ी करोना नाँ की एक नामराद बीमारी जिहदे प्रभाव थले इस वेले समुचा विश्व जिहड़ा बहुत अपने आप पीड़ित महसूस कर रहा और इनू वर्ल्ड वाइड ही महामारी का नाँ दे दिता गया और वो मुताबक वख वख देश भी जेड़े है वो लोगों जनता को जो अवेयर कर रहे हैं कि इस तरीके प्रकाशन ले जान और उस गल आधार मन के अज अधिकारियों भी यह विचार वटांदरा किया गया, भावें कि साढ़े जेडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे प्रबंधन संबंधित जिन्ने अधिकारी ने बहुत जिम्मेवारी हमेशा ही ड्यूटी निभाते रहे, हर चुनौती हर जिम्मेवारी बड़े खिड़े मथे प्रमाण भी करते निभाते भी है और इन हालातों में क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचे मनुखी समाज का एक अटुट अंग है और जो प्रभाव समाज महसूस करता है श्रोमणी कमेटी भी उस तरह ही महसूस करती है तो लोड़ी जी जिम्मेवारी है संजीदगी निभाने वास्ते असी हमेशा अपनी जिम्मेवारी एहसास लैके चलते हैं और वो मुताबिक अपनी ड्यूटी भी करते हैं। एसजीपीसी वालों ही तैनात कर दी गई है, वो एम्बूलेंस अवेलेबल हो गए अराउंड द क्लॉक इतने, सो दे विल इमीजिएटली बी टेकन टू द आइसोलेशन वार्ड। जे कोई जरूरत है समझणगे ये मेडिकल जिहड़े इत्थे साडे टीम के मैंबर होणगे जी, वो कॉल लैणगे कि जे वार्ड रेडी करता जी बिल्कुल जिहड़े वार्ड्स हाँ ये जिहड़ा श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल कल असी कल भी मीटिंग की सी जिहदे विच उहनां दे मैडिकल सुपरिंटेंडेंट साहब भी आए सी और इधरों एस जी पी सी वालों भी हदायतां चलियां गईयां जी उहनां नूं। सो जिथे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये अपने आइसोलेशन वार्ड क्रिएट कर रहे उत्थे श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल दे विच भी आइसोलेशन वार्ड भी क्रिएट किए गए जी उत्थे और ये डॉक्टर्स ये उत्थे देख के भी किदां दा कोई हैगा केस, जे कोई आइसोलेशन भेजन वाला तो वो बारे आइसोलेशन की, जे कोई क्वारंटाइन भेजन वाला तो वो बारे क्वारंटाइन, जे कोई होम क्वारंटाइन करने वाला तो उन्होंने सलाह दे देंगे डॉक्टर साहिबान भी तुसी भाई साहब 14 दिन के लिए अपने घर जाके क्वारंटाइन रहो, बाहर नहीं निकलना, लोग अपने परिवार